नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि मैं आपका मित्र दीपक बोल रहा हूँ और जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये डिक्स की केबिल है जो आप छतरी में कनेक्ट करते हैं और छतरी पे लगाते हैं, तो वही केबिल है। उसी के बारे में आपको मैं एक छोटी सी वीडियो बनाया हूँ और केबिल में जो फॉल्ट आता है, और जैसे कि जब आपकी केबिल इस तरह कट जाती है, आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह केबिल जब आपकी कट जाती है या फिर इस तरह प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है कि आपके पास जॉइंटर होता है तो जॉइंटर तो लगा देते हैं, मगर जब जॉइंटर नहीं रहता है तो उसके अनुसार क्या करना चाहिए और उसके साथ कैसे उसको जॉइन करना चाहिए, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। तो जो मेरे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपकी केबिल ख़राब हो जाती है, ये सबसे ज़्यादा गर्मियों के कारण ख़राब होती है, हीट के कारण, और जब गर्मी का मौसम रहता है तो ये कारण इस तरह से केबिल में टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह जब फॉल्ट आता है तो आपका जो ऊपर 12 बोल्ट मिलता है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से ये पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो उसी के बारे में आपको आज छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। यदि आपके पास जॉइंटर नहीं है तो कैसे आप जॉइंटर के बिना आप इसको सही तरीके से लगा सकते हैं और इसको पूरी तरह से चला सकते हैं। तो इसके लिए यदि आपके पास एक कटर है तो अच्छी बात है, यदि आपके पास कटर नहीं है तो आपके पास यदि प्लास है तो प्लास से भी आप काट सकते हैं। यदि आपके पास कटर है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पास से दिखा दूँ, ये आप जैसे देख सकते हैं मैं इस केबिल को मोड़ रहा हूँ, तो ये केबिल आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर से जो न्यूट्रल का होता है तो न्यूट्रल का आप देख सकते हैं पूरी तरह से कट चुका है, जिसके कारण से 12 बोल्ट प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं पहुंच रहा है और चैनल क्या है कि सिग्नल कम बता रहा है, कभी कभी नो सिग्नल हो जाता है, जिसके कारण से ये कुछ नहीं बताता इसमें। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा यदि आपके कैसे आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको आप यहाँ पर से, यदि प्लास है तो प्लास से कट कर लेंगे, यदि आपके पास कटर है तो कटर से आप कट कर लेंगे, तो ये आपका दो तार अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आपको छील लेना है, छीलना यदि आपके प्लास है आपके पास तो आपको ऐसे छील लेना है, यदि नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरह से वो कर दिया है, और आपका सबसे पहले क्या रहता है, इसमें आपका न्यूट्रल रहता है और इसमें आपका फेस रहता है, और इसको कैसे आप प्रॉपर तरीके से जोड़ेंगे जिसके कारण से आपका सिग्नल पूरी तरह से मिले और किस तरीके से आपको करना है, तो आप जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है और कट करके इसको अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यदि आपके पास प्लास है तो आप प्लास से कर लीजिएगा, नहीं है तो कटर से आप कर लीजिएगा, तो आपको कटर से हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको अलग कर लिया है ऐसे ही मैं सेकंड वाला कर लूँगा जो आपका सेकंड वायर रहेगा, तो सेकंड वायर को ऐसे ही छीलना है और आपको अलग कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने दोनों को छील के और इसको मैंने अलग कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका है तो ये आपका प्रॉपर तरीके से आपको इसको लगाना है। तो आप जैसे देख सकते हैं यदि आपके पास जॉइंटर नहीं है तो जॉइंटर के बिना भी ऐसे लगा सकते हैं, और इसको आपको सबसे मेन यही होता है आपको इसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इसको आपको प्रॉपर तरीके से इसको कस देना है। यदि आपके पास प्लास है तो प्लास से कस लीजिए, यदि आपके पास कटर है तो कटर से यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या इसमें आती है, जब इसको आप जोड़ते हैं तो जोड़ने में ये प्रॉब्लम आती है कि सिग्नल कम मिलता है, और बहुत से ज़्यादा ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसको तो मैंने अच्छी तरह से जोड़ दिया है मगर चल नहीं रहा है। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा डीडी फ्री डिश में, वीडियोकॉन में मिलती है देखने के लिए, और एयरटेल डिजिटल टीवी मिलती है देखने के लिए, और इसको मैं अच्छी तरह से यदि जॉइंटर नहीं है जोड़ भी देता हूँ तो सिग्नल वीक करता रहता है और फस फस के चैनल चलता है। तो सबसे पहले यदि आप ऐसे करते हैं, यदि आप जॉइंटर नहीं लगाते हैं और ऐसे ही जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से लोग जोड़ते हैं तो इसको सीधा कर देते हैं और ऐसे सीधा करके जोड़ के इसमें और इसके अलग अलग करके टेपिंग मार देते हैं, जिसके कारण से ये पूरी तरह से नहीं हो पाता है और ये पूरी तरह से नहीं चल पाता है और सिग्नल वीक करता है। यदि आपको सही सिग्नल प्राप्त करना है तो आपको वायर को ऐसे करना है, और वायर को आपको ऐसे प्रॉपर तरीके से पहले प्लस को जोड़ देना है, और प्लस को जोड़ने के बाद आपको माइनस को अच्छी तरह से इसको कस देना है ऐसे करके, और इसको कसने के बाद आपको
ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट को आपको अच्छी तरह सीधा करना है। और फिर इसके बाद यदि आपके पास टेप है तो इसमें आप टेपिंग मार दीजिए, और यदि नहीं है तो आप कुछ भी लगा दीजिए जिसके कारण से बारिश का पानी या फिर धूल का मौसम, हवा या कुछ ना खाए जिसके कारण से इसमें आपका कार्बन लग जाएगा। अभी तो सही रहेगा मगर कुछ दिन बाद आपका कार्बन लग जाएगा, मगर ये आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इस तरह से आप यदि ज्वाइंट करते हैं तो आपका सिग्नल काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, सिग्नल की कमी नहीं होगी। यदि आपको वायर इसको सीध कर देंगे तो आपका सिग्नल का लॉस होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिससे और लोगों को इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।